जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज हम फिर बात करेंगे बिहार एसटीईटी की इस परीक्षा को लेकर, जहां पर कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए ये पात्रता परीक्षा ली जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। ये परीक्षा जो पिछली परीक्षा हुई थी यहाँ पे 2019 में हुई थी। अब 2019 से लेकर 2023 यानी कि लगभग लगभग 4 साल बीत चुके हैं। अब छात्रों की मांग यहाँ पर कि सरकार जो है यहाँ पर हम लोगों के एज में रिलेक्शन क्यों नहीं दे रही है, ये खुद यहाँ पर जो है डिले कर रही है। 4 साल के बाद या 5 साल के बाद कोई भी वैकेंसी का अपडेट निकाल रही है या कोई सा भी एग्जाम का अपडेट निकाल रही है, तो इसमें एज के रिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है यहाँ पर कि 2019 में जो भी सब्जेक्ट का हम लोगों ने एग्जाम लिया था वो सारे सब्जेक्ट के छात्रों को यहाँ पर एज में रिलेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर कि पिछले 2019 में नहीं लिया गया था वो एग्जाम, और यहाँ पे उस एग्जाम को जब शामिल किया गया है तो उसमें भी एज का छूट नहीं दिया गया यहाँ पे छात्रों को। तो सरकार को इस पे ऊपर विचार करना चाहिए। देखिए, ये आवाज मैं उठा रहा हूँ आप सभी छात्रों के लिए, तो आप लोग को यहाँ पर प्लीज वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि जो है छात्र की जो आवाज है वो सरकार के कान तक गूंजे। हम लोगों ने लगातार आपको बोला कि हर स्टेप पे आवाज उठाइए, आप लोगों ने शेयर किया वीडियो, देखिए हर चीज सुधारा गया। यहाँ पे फॉर्म भरने में आपका वेबसाइट का प्रॉब्लम आ रहा था, वो अब सुधार दिया गया। अभी 9 तारीख से लेकर जो है आपका 23 तारीख तक का ही डेट है, अब डेट एक्सटेंड करवाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो 9 तारीख से लेकर आज 13 तारीख हो गया, यानी कि 4 दिन का यहाँ पे जो आपका टाइम खराब हुआ है, इस टाइम का भी आपको डेट मिलेगा। यहाँ पे सरकार चाहेगी कि ये टाइम जो है ना लेट फी के साथ कर दे, कि लेट फी दीजिए तब आप फॉर्म भरिएगा। तो ये चीजें यहाँ पे रोकेंगे हम लोग, है ना। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी सपोर्ट करने का। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस एग्जाम को लेकर, ये भी हमने वीडियो बनाया। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का, पेमेंट देखिए पेमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो भी बताया हमने कि पेमेंट आज कीजिएगा तो एक दिन के बाद आपका जो है अपडेट लेगा, है ना। और अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया हमने आपको इस वीडियो में, और डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है अब आपको एक फुल वीडियो बना के बता रहे हैं जिसमें कि कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का कैसे किया जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अच्छी खबर ये है कि देखिए अतुल प्रसाद जी ने बोल दिया है बीपीएससी 1,70,000 के छात्रों को कि आप अभी हम लोग के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे कि हम लोग जो है आपका परीक्षा को रोक सके, है ना। और ये अपडेट दिया गया है आज के ट्विटर हैंडल पे उनके द्वारा, ये अपडेट देखिए 1 घंटा पहले अपडेट आया है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, है ना। तो चलिए अब फॉर्म भरते हैं यहाँ पे और बात करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन की। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब इस पेज में करना क्या, ये कुछ डिक्लेरेशन दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से भी। यहाँ पे पहला आपका स्टेप है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का, फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, बस 3 ही स्टेप है यहाँ पे। ओके, आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक टू प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आगे क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे ही आपने आप भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। अब बिल्कुल आसानी से सब कुछ ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, अपडेट कर दिया गया वेबसाइट को यहाँ पे। अब सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, पहला चीज यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, अदर स्टेट के छात्र हैं तो। अगर यहाँ पे अप्लाई फॉर द, ये देखिए क्योंकि इतना सारा जो चीज है ना, ये जितना भी स्टार मार्क लगा हुआ है इसमें, है ना, इन सभी को ध्यान से एक ही बार भरना है, इसमें सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता दूं फॉर्म भरने से पहले ही, तो बहुत ही सावधानी से, और जिन लोगों का गलती हो गया है, जो गलती हो गई है उस पे आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, सरकार से इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि ये एडिट करने का फॉर्म में भी या रजिस्ट्रेशन में भी आपको मौका मिले। यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, सपोज मान लीजिए कि पेपर 1 या पेपर 2 के लिए सर मैं अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पेपर 2 के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर, तो यहाँ पे मैंने चलो सपोज किया कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर दिया। यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट रोहतास सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन ऑफ द पेपर, अब आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दिया गया है, और ये चीजें जो है ना वो पहले वाले वेबसाइट में नहीं दिया गया था। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो भी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप लोग जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो ये सारा चीज दिखेगा, नहीं तो इसको जूम आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE अप्रूव्ड है या BE/BTECH है आप, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग जो है कर सकते हैं, ये आप सेलेक्ट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और कैंडिडेट का नाम जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, मदर नेम, फिर उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद जेंडर क्या है आपका ये सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद कास्ट कैटेगरी यहीं पे देखिए पूछ लिया गया, तो
तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये बता दीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बीसी सेलेक्ट किया है और यहाँ पे जो है जेंडर आपका मेल है फीमेल है ये बता दीजिएगा, है ना। अगर आपके पास देखिए जो भी कंप्यूटर साइंस के लिए योग्यताएं हैं ना यहाँ पे आपको जो दी गई है इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपसे अपलोड करवाया जाएगा। नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटलीस्ट रखिएगा अपने पास, जो कि आप लोग के पास अपलोड करने का होना चाहिए। अब जिसके पास जो सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना मार्कशीट वहां पे अपलोड कर सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन आगे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जेंडर क्या है यहाँ पे ये आपको बताना है, मेल है फीमेल है। आगे बढ़ते हैं, कास्ट कैटेगरी आपने बता दिया, सपोज मान लीजिए कि जनरल बताइएगा अदर स्टेट वाले, अगर अदर स्टेट से आप लोग फॉर्म भरते हैं तो ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। डिजेबल है तो किस कैटेगरी में डिजेबल है, यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं मोबाइल नंबर, देखिए वही डालिएगा जिसपे आपका ओटीपी आएगा, जो पहला ओटीपी आएगा उस ओटीपी को सेव कर देना है यही क्रोम ब्राउजर में अभी, है ना, क्योंकि बार बार लॉग इन करते हैं तो बार बार आपको ओटीपी भेजा जाएगा, मल्टीपल ओटीपी भेजे जा रहे हैं तो ये दिक्कतें अब नहीं आ रही है ना। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आपको अपना चूज करके देना है कि जो कि एक्टिव रहे उस पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह का अपडेट भेजा जाए। एक सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको डिटेल मांगेगा इसके बारे में कि लेंथ ऑफ सर्विस क्या था आपका, कब तक आपने काम किया है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो मैट्रिकुलेशन वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालिएगा। एज में क्या रिलेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे कितना एज हो रहा है इसके अनुसार यहाँ पे बता देगा। फिर आई एग्री पे आई कंफर्म पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन किया था। सपोज मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए या फिजियोलॉजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, या होम साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, या कॉमर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, या हिस्ट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे पेपर आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका क्राइटेरिया है, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो किस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा तो सब कुछ देखेगा आप कौन सा वाला यहाँ पे क्राइटेरिया है। सपोज मान लीजिए कि 50% से आप अंकों के साथ अपना जो है डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं तो यहाँ पे लिख के भी बता देगा आपको, है ना। इसको आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं कि ये हमने अपना जो है डिग्री सेलेक्ट किया है, नहीं तो ये नहीं पढ़िएगा तो यहाँ सेलेक्ट करके जो है आप एक बार फिर से जो है अपना पेपर का जो है क्वालिफिकेशन यहाँ से बदल के देख लीजिएगा कि कौन सा क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यही आप डालिएगा जो कि आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। अब रजिस्टर पे करते हैं आगे क्लिक करके यहाँ पे। दोस्तों एक बात ध्यान और रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही सिलेक्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पे दोनों ही पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना, सब्जेक्ट का। तो सपोज मान लीजिए कि इसमें पेपर 1 में आपने मैथ से किया है और यहाँ पे आपने फिजिक्स से किया है, ठीक है, तो पेपर 2 में, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, या यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से आपने किया है तो यहाँ पे मैथ के लिए मान लीजिए कि BBTech है तो आप मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं, साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया दोनों के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालिएगा तो जिसमें आपने क्या किया है अपना जो है यहाँ पे डिटेल डालिएगा, है ना, पेपर 1 के लिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्लिक करके डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद इसके लिए भी पेपर सेलेक्ट करके डालना है कि कौन सा डिग्री आपने किया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको यहाँ पे पेपर बताना होगा कि किस किस पेपर में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे मेक पेमेंट का आएगा, जो कि आपको पेमेंट करना। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए एक बैंक भी इंक्लूड और कर दिया गया है इस नए वेबसाइट में, तो आप इंडियन बैंक के थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों ये आपसे जो है ना पेमेंट करने को बोलेगा, और यहाँ पे जो है सेक्शन आपको क्लिक करके चेकआउट करके जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और अप्लाई करिएगा। चेकआउट जैसे ही कीजिएगा ये आपको उस बैंक डिटेल पे ले आएगा जहां से आपको बैंक वाले ऑप्शन पे ले आएगा जहां से आपको इसका पेमेंट करना है। मैंने एक ही पेपर सेलेक्ट किया है पेपर 2, इसलिए यहाँ पे 960 है। दोनों पेपर सेलेक्ट कीजिएगा तो 1440 लगेगा। अब यहाँ पे देखिएगा पेमेंट विथ आपको कौन सा है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना है या अदर डेबिट कार्ड से करना है या RTGS से करना है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सपोज अगर मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ, कन्फर्म पेमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो ये पूछेगा कि किसके थ्रू करना चाहते हैं, तो SBI के थ्रू आप करना चाहते हैं तो SBI कर लीजिएगा, या किसी भी बैंक के थ्रू, यहाँ पे बैंक के ऑप्शन सारे दिए गए हैं आपको तो उसके थ्रू आप जमा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे SBI सेलेक्ट किया है, चलिए SBI, चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे आसानी से हो जाता है। कंफर्म पेमेंट करते हैं जैसे ही हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा आपका नेट बैंकिंग का, ठीक है, ये डाल के आपको लॉग इन कर लेना है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइबर कैफे से जा रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं इनका पेमेंट कर देता हूं और आगे प्रोसीड करता हूं।
अब देखिए यहां पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा एक चीज यहां पर कि अगर आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर देंगे ना जैसे ही, तो आपके लिए यहां पे ये रेड से जो है ना व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट भी कर दिया हमने। अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना, ये रेड वाला है लेकिन मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिया जल्दबाजी में, क्योंकि समय यहाँ पे स्लॉट किया गया है 15 मिनट का, तो ये भी यहाँ पे ब्लू रेड से जो है ना व्हाइट हो गया है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ, वो अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, फिर आपको आपको जो है ना फिल एंड एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि वहां से भी कुछ डेटा मांग रहा है। तो चलिए मैं आपको वहां दिखलाता हूँ जो स्क्रीनशॉट हमने करके रखा है। और ये व्यू फॉर्म वाला जो है ना लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि एक दिन के बाद आपको जो है आपका फॉर्म भी दिखलाएगा भरा हुआ, तब जाके आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। तो ये काम जरूर कीजिएगा, यहाँ पे दिखला देता हूं मैं आपको। यहाँ से देखिए, जब आप अपलोड वाले सेक्शन पे जाइएगा अपलोड करने के लिए, तो वहां पे जो है ना आपसे ये रेट दिखेगा, है ना, लेकिन मैंने अपलोड कर दिया था उसी से पहले आपका जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप कीजिएगा तो आपसे अपना फोटो बोलेगा चूज करके डालने के लिए, है ना। अपना जो फोटो है तो ध्यान रखिएगा वो 50 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा चीज है यहाँ पे, वो आपका सिग्नेचर है वो भी 30 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ये थोड़ा चीज ध्यान में रखना होगा और उसको एडिट कर लेना होगा। एडिट कैसे करना है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये दो काम यहाँ से कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपका जो मार्कशीट है, ये जो आपका PDF का नेम होगा ना, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर मत डालिएगा। ये लिखा गया है 150 KB का होना चाहिए, और फाइल नेम में ना कोई स्पेशल कैरेक्टर मत डालिएगा। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि फाइल नेम लिख दिए कि 10th मार्कशीट है, मार्कशीट ऐसे लिख के उसका नाम जब देते हैं तो अंडरस्कोर या डॉट लिख देते हैं। ये अंडरस्कोर डॉट वगैरह मत लिखिएगा, सिर्फ 10th मार्कशीट लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा उसको, यहाँ चूज करके 150 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे आते हैं यहाँ पे, तो जो है 10th के मार्कशीट के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट। अब बहुत लोगों के पास ना 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड ऐसा है कि वहां पे सर्टिफिकेट और आपका जो मार्कशीट है वो एक ही में दिया हुआ है बना के, तो वही वाला जो है ना आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के साथ जो होगा वो डालेंगे यहाँ पे, जिसमें की डेट ऑफ बर्थ होगा वो मान्य होगा आपका यहाँ पे, है ना, चाहे मार्कशीट हो चाहे आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे कि 12th का जो इक्विवेलेंट है या 12th का मार्कशीट है वो डालना है, 12th का मार्कशीट भी डाल दीजिएगा और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप लोग को चूज करके डाल देना है। यहाँ पे देखिएगा 150 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जो लोग गलती कर चुके हैं वो आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ सुधार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले में नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 12th का आपने डाल दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन का डाल दीजिएगा, इसी तरह उसका उसका सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा ग्रेजुएशन वाला भी। जिस किसी के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, अप्लाई नहीं कर पाए हैं लोग, बहुत सारे लोग, है ना, तो वो अपना प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिएगा, प्रोविजनल जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे PG नहीं किया तो इसको छोड़ दीजिएगा, PG नहीं किया तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं Paper 2 के लिए तो वहाँ PG मांग रहा है तो PG वाला भी सर्टिफिकेट डालिएगा। कंप्यूटर में सिर्फ PG नहीं मांग रहा, आप BTech पे अप्लाई कर सकते हैं, BE पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे BEd कर रखे हैं अगर आपने किसी सब्जेक्ट में, तो उसका BEd का सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट भी अपलोड कर देना है आपको। अदर कोई स्कैन फोटो अगर आपने जैसे कोई कोर्स किया है, जैसे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन लोग करते हैं या फिर MBA वगैरह करते हैं, तो PGDCA वगैरह करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग डाल सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अदर का, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। फिर लिविंग सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो कि अभी जो है आपको बता दें कि ये एडिट कर दिया गया है, ये रेसिडेंशियल कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। क्या करना है यहाँ पे, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और जो है आखिरी आपका कास्ट और EWS बोल रहा है। अब जो OBC में छात्र आते हैं वो NCL भी बनवाते हैं, ठीक है, तो जब NCL आप बनवाते हैं तो वहां पे NCL में आपका कास्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो आप NCL अपलोड कीजिएगा। लेकिन जो छात्र जैसे कि SC ST में है तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, EWS में है जो छात्र वो अपना EWS वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहां से अपलोड करके अपडेट कर लीजिएगा आई कन्फर्म पे क्लिक करके, तो ये काम कर लीजिएगा, तो जो है आपका पेज जो है जो ब्लू है मतलब रेड है वो व्हाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखला देता हूं यहां से कुछ इस तरीके से जो है ये आपका व्हाइट हो जाएगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो गया, अब फिल एंड एडिट पे क्लिक करना है।
फिल एंड एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा दोस्तों इस वाले पेज पे। अब यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से जो है आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब पे ग्रीन साइन हो जाएगा जो जो आप चीजें आपने अपलोड किया यहाँ पे। कोई चीज हटाना है तो रिमूव वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, हट जाएगा, फिर उसको अपलोड दोबारा कर सकते हैं कोई गलती होता है तो, ठीक है। ये आपको इस तरह से आपका दिखेगा आपका जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो। फिर उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जो है आप अपने जैसी एडिट वाले सेक्शन पे आएंगे तो ये सारा डिटेल जो है आपका दिखेगा यहाँ पे, है ना, जो भी आपने भरा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं दिखेगा, वो है आधार कार्ड नंबर। तो ये आधार कार्ड आपको यहाँ पे डालना है अपना, और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम पूछेगा, तो ये आपका हिंदी अंग्रेजी जिसमें देना चाहते हैं आप इसमें बताइएगा। नेशनलिटी वगैरह तो यहाँ पे बता दिया गया है, और एक सर्विसमैन में है तो इसमें नो आपने कर दी, इसलिए इसमें कोई सुधार होगा नहीं। जेंडर वगैरह में कोई सुधार होगा नहीं, जो चीज यहाँ पे आपने डाल दिया है शुरुआत में वो चीज का यहाँ पे सुधार होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, यहाँ पे अपना मीडियम डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पेपर वन या पेपर टू जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट करेगा, और यहाँ से फिर आपसे पूछेगा कि आप जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बता दीजिएगा। फिर अपना बैंक डिटेल बता दीजिएगा, देखिए लेकिन इसमें स्टार मार्क नहीं लगाया गया था तो बैंक डिटेल नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डाल दीजिएगा तो बेहतर होगा, कभी सरकार को फीस वापस करना हुआ तो ये वापस भी कर सकते हैं आप लोगों, ठीक है। तो यहाँ पे है, फिर एड्रेस डिटेल आपको डालना है, एड्रेस डिटेल अगर आप जो है अपना जो है परमानेंट है जो भी है कॉरेस्पॉन्डेंस वो डाल दीजिएगा, सेम है तो यहाँ पे सेम टिक पे क्लिक कर लीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है लास्ट में जो है ना एक फोटो और सिग्नेचर फिर से अपलोड करवाएगा, तो ये फिर से वही फोटो और वही सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे नो वाला सेलेक्ट कीजिएगा, है ना, नो वाला सेलेक्ट कीजिएगा, है ना, आप कभी बदलना चाहते हैं एड्रेस को लेकर, और इसको सेव एंड ड्राफ्ट पहले कीजिएगा, और एक बार मिलाइएगा कि जितना भी डेटा आपने दिया है यहाँ पे सब सही है, उसके बाद जो है आप इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट जब कीजिएगा तो आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे, फिर से आप यहाँ पे इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, व्यू फॉर्म पे जब क्लिक कर रहे हैं ना तो ये अभी ओपन हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने फॉर्म भरा है, तो एक दिन के बाद 2 दिन के बाद जो है यहाँ पे आके व्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा स्टेटस दिख जाएगा कि आपने हाँ पेमेंट वगैरह कर दिया है, फॉर्म अपलोड कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सही से हो गया। तो ये प्रोसेस था दोस्तों यहाँ से, तो फाइनली हमने आपको पूरा फॉर्म भर के बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।